शाजापुर के मखावत में रविवार को पत्रकार मीडिया परिषद शाजापुर जिला इकाई की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शाजापुर सहित आसपास के क्षेत्र से पत्रकार कार्यक्रम में पहुंचे। शाजापुर सहित प्रदेश के पत्रकारों पर हो रहे अत्याचारों एवं पत्रकार पर हो रहे हमले और झूठी FIR अन्य मुद्दों पर पत्रकारों ने चर्चा की गई। पत्रकार मीडिया परिषद जिला अध्यक्ष अविनाश सिंह ने बताया कि जिले में यदि किसी पत्रकार साथी को कहीं पर भी मदद की आवश्यकता लगती है तो किसी भी समय वहां पत्रकारों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। साथ ही सभी पत्रकारों को एकजुट होकर रहना चाहिए ताकि भ्रष्टाचारी एवं पत्रकारों पर झूठी FIR दर्ज करने वाले कर्मचारियों पर अंकुश लग सके। वर्तमान युग में हर जगह प्रशासन के रूपों का दुरुपयोग देखने को मिल रहा है, जिसको समय समय पर पत्रकार अपनी कलम के माध्यम से आवाज उठाते हैं, लेकिन कई पर देखा जाता है कि पत्रकारों के ऊपर ही मामले दर्ज कर दिए जाते हैं तो कहीं उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। जिले में यदि किसी पत्रकार को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वहां पत्रकार मीडिया परिषद से संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम का आयोजन ग्राम मखवात में किया गया। इस मौके पर संरक्षक राजा शब्बीर हुसैन, प्रदेश उपाध्यक्ष अनीस मेव, मनोज जोशी, सद्दाम बाबा, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद नसीफ, सुनील जाट, जावेद खान, देवकरण सिसोदिया, गोपाल सैनी, अकील मोहम्मद, अजब से मीना, कृष्णकांत मेवाड़ा के साथ बड़ी संख्या में पत्रकार साथी मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम का आभार देवकरण झाजा ने किया। आज हमने मीडिया परिषद संगठन के माध्यम से शाजापुर जिले के पत्रकारों को एकजुट करने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में पत्रकार उपस्थित हुए पूरे जिले भर से। हमारा मूल उद्देश्य है कि ना कोई पत्रकार छोटा है ना कोई बड़ा, सारे पत्रकारों को एक प्लेटफॉर्म और एक जगह पर लाने की ये हमारे संगठन की रणनीति है और इसी दिशा में आज हमारी पहली मीटिंग शाजापुर जिले में ग्राम मखावत में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष देवकरण झांझा जी के सानिध्य में और हमारे जिला अध्यक्ष अविनाश जी और जिला उपाध्यक्ष सद्दाम बाबा के सानिध्य में संपन्न हुई। और मैं सभी पत्रकारों का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश की। परिषद शाजापुर के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया था। इसमें पत्रकारों के द्वारा जो भ्रष्टाचार वगैरह उजागर करते हैं तो उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर FIR वगैरह की जाती है। उन FIR को रोकने एवं पुलिस प्रशासन को करारा जवाब देने के लिए हम लोगों ने ये मीटिंग रखी थी और संगठन को बढ़ाने के लिए भी चर्चा की गई। शाजापुर से मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट।